नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस टेक्निक्स। ये हमारे पास चैप्टर 10 है कि किस तरह हम सिस्टम की फ्रीक्वेंसी रिस्पांसेस को ड्रॉ करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पांस। कि अगर हमारे पास वो हम उसकी कैलकुलेट कर लिए तो हम इसकी किस तरह जो रिस्पांस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसको ड्रॉ कर सकते। तो नॉर्मली इसके लिए हम बोर्ड प्लॉट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अच्छा, सो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी रिस्पांस में हमारे पास कंसेप्ट वो कहाँ से हमारे पास आता है। तो अगर हम इसमें से देख लें तो हमारे पास नॉर्मली जितने हमारे पास साइनोसाइडल्स होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास फेजर्स आ जाती है और हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाती है, जो एक्चुअली हमारे पास एम्पलीट्यूड शो करती है किसी भी साइनोसाइडल की, और दूसरा हमारे पास आ जाती है एंगल हमारे पास आ जाती है जो हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फेज एंगल है उसको रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है M1 cos ओमेगा टी प्लस पाई वन। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन द फ्रिक्वेंसी या इन द फेजर फॉर्म, तो हमारे पास आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा उसका जो एंगल है वो हमारे पास फेज एंगल वो हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी है तो वो फिर हम उसको इन द टर्म्स ऑफ ओमेगा जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको हम लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी अगर हमारे पास एक दो साइनोसाइडल्स है, एक हमारे पास इनपुट है और अगर एक हमारे पास आउटपुट है, तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल इसको अगर हम देख ले, ये हमारे पास इनपुट साइनोसाइडल है, ये हमारे पास आउटपुट साइनोसाइडल है, यहाँ से एक सिस्टम को हमारे पास इनपुट मिल जाती है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसका कुछ फेज एंगल होगा और यहाँ से हमारे पास उस सिस्टम का रिस्पॉन्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो उस जो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। अब जो आउटपुट है मैग्नीट्यूड वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, वो सिस्टम की में जो गेन होगा या जो भी उसका रिस्पांस होगा इन टू द इनपुट मैग्नीट्यूड, और उसका जो फेज एंगल होगा वो हमारे पास ऐड हो जाएंगे बिकॉज ये हमारे पास एक कैस्केडेड सिस्टम होगा। तो इसमें से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैं इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम फेजेस को क्या करते हैं फेज एंगल्स को हम ऐड करते हैं, तो जो इनपुट एंगल है वो ऐड हो जाएगा विद द सिस्टम एंगल। तो हमारे पास जो थीटा जो पाई नॉट आएगा वो एक्चुअली हमारे पास थीटा इनपुट प्लस जो सिस्टम का एंगल पाई है उसके हमारे पास बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एक्चुअली हो जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी शो है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, इनपुट मैग्नीट्यूड इनटू द सिस्टम मैग्नीट्यूड, और जो इनपुट एंगल है सिस्टम को जो साइनोसॉइडल उसको मिल रही है, और प्लस द सिस्टम का जो एंगल है उसके साथ भी दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन है वो एक्चुअली हमारे पास एम नॉट डिवाइड बाई एम वन के बराबर है, और उसका जो फेज एंगल है वो एक्चुअली हमारे पास बराबर होते हैं आउटपुट माइनस इनपुट। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एक्चुअली हम इसको ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं कि आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, और अगर हम सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन का एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा आउटपुट माइनस इनपुट हमारे पास हो जाएगा। अब जो एम ओमेगा है, ओमेगा एक हम इसके थ्रू फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, सो एम ओमेगा एक हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है उसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। हमारे पास जो सिस्टम की फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है उसका मैग्नीट्यूड हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पाई है वो एक्चुअली हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस का जो फेज है वो हम थ्रू पाई ओमेगा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो हमारे पास बराबर होगा उसके मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का और फेज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का, ये दोनों हमारे पास कैलकुलेट हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम का जो रिस्पांस है वो किस तरह है। तो किसी भी सिस्टम के रिस्पांस को कैलकुलेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की ज़रूरत पड़ती है और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस है जिसमें हमारे पास कि किस तरह हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है उसका हमारे पास जो जनरलाइज साइनोसाइडल है एक कॉस ओमेगा टी है प्लस बी साइन ओमेगा टी है, ये हमारे पास दो इनपुट वेव फॉर्म्स है जो सिस्टम को मिलते हैं। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसको सिंपली क्या कर लेते हैं, उनकी जो मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अंडर द रूट 3 हमारे पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएंगे, और अगर हम उसका एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं सो कॉस ओमेगा टी माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फेज है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारे पास एक इनपुट होगा और एक हमारे पास आउटपुट हमारे पास है, तो अगर हम इनपुट को पोलर फॉर्म में, अब एक इनपुट हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है हम उसको तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हम उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड इनटू द फेज एंगल, तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड इनटू द फेज एंगल ये हमारे पास पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। अगर हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास ए माइनस बी जे, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी। और थर्ड हमारे पास है यूलर फॉर्म, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड इनटू ई रेस्ट पावर जे थीटा पाई इनपुट, तो ये हमारे पास तीन फॉर्म में हम किसी भी सिग्नल को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इस सिस्टम का, ये हमारे पास एक इनपुट है ए एस प्लस बी ओमेगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये एक इनपुट है, ये सिस्टम को मिल जाता है, यहाँ से हमारे पास आउटपुट आ जाती है, तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो हमारे पास बराबर होगा द सिस्टम रिस्पॉन्स मल्टीप्लाई बाय द इनपुट। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए एस प्लस बी ओमेगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इन टू जी ऑफ एस, तो ये हमारे पास आउटपुट के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे, मीन क्या हम इसको जो यहाँ पर हमारे पास है इसको सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास आ जाएगी ए एस प्लस बी ओमेगा डिवाइड बाई एस प्लस जे ओमेगा इन टू एस माइनस जे ओमेगा जी ऑफ एस। तो हमारे पास अब ये स्प्लिट हो गए, तो अब इसमें से हम K1 और K2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो K1 डिवाइड बाई S प्लस जे ओमेगा डिवाइड प्लस K2 डिवाइड बाई S माइनस जे ओमेगा, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो K1 की वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली आ जाएगी, और जो K2 की वैल्यू है वो हमारे पास एक्चुअली ये वाली आ जाएगी। तो अगर हम इसको दोबारा से इक्वेशन में ऐसे पुट कर लें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाते हैं फॉर द सी ऑफ एस, आउटपुट के लिए हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं। अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास एम जी जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें जी ऑफ एस का, लेकिन यहाँ पर हम एस को रिप्लेस कर लेंगे विद जे ओमेगा, बिकॉज यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में इंटरेस्टेड है। और दूसरा हमारे पास जो फेज एंगल है वो हमारे पास एंगल ऑफ जी एस या एंगल ऑफ जी ओमेगा, वो हमारे पास फेज एंगल ऑफ टी ऑफ दैट कम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू स्पोर्ट कर ले जो ऑलरेडी के वन और के टू की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई है, और उस पर हम फिर इनवर्स लैपलास अप्लाई कर ले, तो हमारे पास जो सी ऑफ टी है वो एक्चुअली हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी एम इनपुट एम जी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई इनपुट प्लस पाई जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी फॉर दैट सिस्टम। सो इट मीन हम ये कह सकते हैं कि हम अपने सिस्टम को अगर पोलर फॉर्म में से रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, अगर हम अपने सिस्टम को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो आउटपुट होगा वो एक्चुअली हमारे पास बराबर होगा इनपुट मल्टीप्लाई बाय द सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास एम आई या एम वन एम टू एम जी, वेयर एम वन शो द इनपुट और एम जी हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, वो हमारे पास सिस्टम रिस्पॉन्स को शो कर रहा है। सो यहाँ से हमारे पास एम जी जो है वो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शन है हमारे पास, और इसको हम इन अदर वर्ड्स ये लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, जो पूरा सिस्टम है उसके ट्रांसफर फंक्शन के हमारे पास बराबर है। जो जी जे ओमेगा है एक्चुअली ये हमारे पास जी ऑफ एस के बराबर है, और जी ऑफ एस एक्चुअली हमारे पास क्या है, सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन है। यहाँ पर ऑलरेडी हमने स्टडी किया कि हमारे पास सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन के बराबर है। अब हम अगर इसकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को प्लॉट करना चाहते हैं तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो फ्रिक्वेंसी है उसका मैग्नीट्यूड वो और उसका जो फेज है वो हमने सेपरेट सेपरेट ड्रॉ करना होगा। फर्स्ट हम उसका मैग्नीट्यूड ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे, उसका फेज प्लॉट जो है वो ड्रॉ करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें लॉग लेना होगा। लॉग किस तरह, बिकॉज इसको हम इन टर्म्स ऑफ डी बी लिखते हैं, तो इसके लिए हमें 20 लॉग एम लेना होगा। अब एम की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज वो हमारे पास चेंज होते जाएंगे, इसमें से हम पुट करते जाएंगे और उसके मुताबिक हमारे पास जो कर्व बनेगा या जो प्लॉट हमारे पास बनेगा वो इन टर्म्स ऑफ डेसिबल हमारे पास फॉर्म होगा। अगर हम इस एग्जांपल को देख लें, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, हमें जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स मैग्नीट्यूड और उसका जो फेज फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो हमने कैलकुलेट करना है।
हमारे पास जो सिस्टम जी ऑफ एस है वो हमारे पास 1/(s+2) के बराबर है। तो इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और फेज डायग्राम और पोलर प्लॉट तीनों ड्रॉ करने हैं। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो एस है उसको रिप्लेस कर लेंगे विद जे ओमेगा, उसको फ्रिक्वेंसी से रिप्लेस कर लेंगे। जब हम उसको फ्रिक्वेंसी से रिप्लेस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/(j^(+2) हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे विद जे ओमेगा -2 विद डिवाइड बाय जे ओमेगा -2। इन दोनों से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, 2 - j ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जे ओमेगा स्क्वायर और 4, ये हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ गए। सो अब हमारे पास अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड किस चीज के बराबर होगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास m ओमेगा, ये होता सुधर एल ऑफ कॉम नहीं एल ऑफ शेयर बिया गप लगा रहे, माइक बंद है यार। अच्छा, अब इसका हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, 1/√ω² + 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आ जाएगा और उसका जो फेज एंगल है वो हमारे पास ऑलरेडी हमने b/a के बराबर है। तो यहाँ पर b हमारे पास क्या है, ω² ω/2 के बराबर आ जाएगा, बिकॉज दिस इज यहाँ पर हमारे पास था ω/2 ω/2। यहाँ से हमारे पास -10 इनवर्स ऑफ ω/2। तो यहाँ से हमारे पास फेज फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन हमने पढ़ ली 20 log m ओमेगा, तो फर्स्ट हम ये इस तरह कर लेंगे कि 20 log और यहाँ पर m ओमेगा हमारे पास बराबर है 1/(ω² + 4। तो फर्स्ट हम इसमें से ये कर लेंगे कि हम इसमें से ओमेगा की वैल्यू स्टार्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हम 1 से 0.1 से स्टार्ट कर लेंगे और इसका फिर हम लॉग लेते जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक मैग्नीट्यूड का जो ग्राफ है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें से फर्स्ट 0.1 पुट कर लेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे 4 के साथ ऐड करके अंडर द रूट, उसका फिर डिवाइड कर लेंगे और उसका लॉग ले लेंगे और 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो एक्चुअली हमारे पास किस तरह आ जाएगा, वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही हम ओमेगा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, ये नीचे हमारे पास ओमेगा है और फ्रिक्वेंसी है जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो जब हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 इस तरह चेंज करते जाएंगे, उस इक्वेशन में सपोर्ट करते जाएंगे, तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे उसकी उसका फेज, फेज हमारे पास बराबर है -10 इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई 2। तो ओमेगा हम फर्स्ट 0.1 से स्टार्ट कर लेंगे और फिर इसको चेंज करते जाएंगे अप टू 100, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है जो फ्रिक्वेंसी जो फेज का फेज रिस्पॉन्स है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। सो एक्चुअली हम इस तरह क्या करते हैं, इस तरह हम उसकी जो फेज है और जो मैग्नीट्यूड है उसके डायग्राम को हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होते हैं जी ऑफ एस, वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में से आते हैं। हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास और इन प्लॉट्स को हम बोडे प्लॉट कहते हैं, बोडे प्लॉट, ठीक है, इन प्लॉट्स को हम बोडे प्लॉट्स कहते हैं बिकॉज इसको हम ड्रॉ करते हैं ऑन द बोडे प्लॉट इन फ्रिक्वेंसी। ये एक्चुअली हमारे पास अगर इसको आप देख लें, ये नॉर्मल प्लॉट नहीं है, इसको हम बोडे प्लॉट इसलिए कहते हैं कि उनकी अपनी स्केलिंग होती है 0.1, 0.2, 0.31, फिर यहाँ पर 10, 10 के बाद 20, 30, 40 इस तरह। तो ये एक्चुअली हमारे पास बोडे प्लॉट होती है और इसके ऊपर हम इन रिस्पॉन्स को ड्रॉ करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन अच्छा, अब बोर्ड प्लॉट को हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, इसको जब हम ड्रॉ करते हैं अच्छा, तो इसको अगर हम देखें, हमारे पास अगर हमारा ट्रांसफर फंक्शन वो फॉर्म हो s+a,
फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास इस फॉर्म है, तो हम इसको फिर किस तरह स्केच करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम जी ऑफ एस, एस की जगह हम जे ओमेगा पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो जे ओमेगा प्लस ए आ जाएगा। फिर हम इससे क्या कर लेंगे, हम इससे ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में से आ जाएगी। सो जब भी हमारे पास ओमेगा की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, तो हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट होते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो जी जे ओमेगा ही एक्चुअली ए के बराबर है। यहाँ से जो भी वैल्यू आती है हम उसका लॉग लेंगे और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो एक्चुअली हमारे पास प्लॉट कर दी जाएगी। अगर हम उसको प्लॉट करते हैं फॉर हायर फ्रिक्वेंसीज, मीन्स कि हमारे पास अगर ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए प्लस उसका हमें एंगल जो है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। सो फॉर हायर वैल्यूज हमारे पास जी जे ओमेगा वो हमारे पास बराबर आ जाएगा ए इंटू जे ओमेगा डिवाइड बाई ए, ये हमारे पास आ जाएगा ए डिवाइड बाई ओमेगा डिवाइड बाई ए, बिकॉज यहाँ पर जे की जगह हमने माइनस प्लस 90 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज ये हमारे पास जो है वो इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा इंटू 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, अगर हम उसको डीबी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो एक्चुअली हमारे पास वो बराबर होती है 20 log omega के, एक्चुअली हमारे पास बराबर होगी। और जो omega की वैल्यू है वो हमारे पास greater than a होगी और less than infinity होगी for higher frequencies। For low frequencies तो हमारे पास वो इससे पहले पहले वाला फॉर्मूला था, लेकिन for higher frequencies हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास उसके लिए वाले इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं, हमारे पास अगर ये वाली है वैल्यू है y is equal to 20x, तो इस अगर हम इसमें से हमारे पास y बराबर हो जाएगा 20 log m और x बराबर हो जाएगा किस चीज़ के log omega के, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन है एक्चुअली वो एक स्लोप बना रही है ऑफ 20 व्हेन अगर हम उसको प्लॉट करते हैं db वर्सेस log omega, मींस कि हमारे पास इस तरह वो बनेगा कि अगर हम a की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड आता जाएगा, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो एक्चुअली इसका इस तरह बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास वो फिर डिपेंड करते हैं कि कितनी डीवी पर वो हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है, और कितनी डीवी पर हमारे पास वो डिक्रीज कर रहा है। और अगर हम इसको यहाँ पर देख ले, अगर हम फेस पर देख ले, फेस और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को देख ले, तो कितनी डिग्री पर डिकेड हमारे पास जो स्लोप है वो फॉर्म हो रही है, किस पॉइंट पर फॉर्म हो रही है और किस पॉइंट पर वो दोबारा से ख़त्म हो जाती है। सो एक्चुअली हम फिर अपने ट्रांसफर फंक्शन को इस फॉर्म में से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक टेबल होती है जो एक्चुअली हमारे पास, अब हमारे पास जो इसको हम ड्रॉ करते हैं, इसको एक्चुअली हम एजेंटोड्स भी कहते हैं, तो इनकी वैल्यूज हमारे पास ये हम रफली ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली में हमारे पास इस तरह नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारे पास अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज ये आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उसकी वैल्यूज हमारे पास ये वाले आते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं वो एक्चुअल नहीं होती, वो हमारे पास जस्ट एक हम उसको क्या कह सकते हैं, एक रिजल्टेंट वैल्यूज हम उसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देख लें, ये हमारे पास जो एक्चुअल रिस्पांस होती है किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का, वो फॉर एग्जांपल ये वाला है, लेकिन अगर हम उसको ड्रॉ करें थ्रू द बोर्डे प्लॉट एंड थ्रू द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड फेज रिस्पांस, तो हम इस तरह ड्रॉ करेंगे, बिकॉज हमारे पास ये और वैल्यूज हमारे पास अननोन होती है, तो हम जस्ट उसकी ये वाली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली कर रहे हैं फेज की कर रहे हैं, तो अभी इन द प्रीवियस एग्जांपल हमारे पास वो ये ब्लू लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही थी, ये हमारे पास ये हमारी अप्रोक्सीमेशन थी, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो रिस्पांस थी वो ये वाली थी। तो हम इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारे पास उसकी जस्ट हम उसकी अप्रोक्सीमेशन रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि हमारे पास इस सिस्टम की जो अप्रोक्सीमेशन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो हमारे पास इस तरह आएगी। हम उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्स को ड्रॉ नहीं करते, इसको हम फिर मैटलैब के थ्रू ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है जिसका हमने बोर्ड प्लॉट जो है वो कैलकुलेट करना है, ड्रॉ करना है। सो मेथड इंतहाई सिंपल है, जस्ट इसको अगर आप थोड़ा सा समझ लें, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस हमारे पास बराबर है के एस प्लस 3 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 के एस डिवाइड बाई 3 प्लस 1, मीन्स यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा। और यहाँ से हम 1 कॉमन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो हमारे पास, और फिर उस 2 को ऊपर ले जाए, तो हमारे पास जो एंड ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो हमारे पास ये वाला बनेगा 3 डिवाइड बाई 2 के इंटू एस प्लस 3 प्लस 1
एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस डिवाइड बाई टू प्लस वन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। अगर हम इससे कॉमन वैल्यू इस ऊपर वाले से 3 कॉमन ले ले और नीचे वाले से अगर हम 2 कॉमन ले ले। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पोल्स हैं और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जीरो फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं इस, तो हम फर्स्ट क्या कर लेंगे, इस एस को रिप्लेस कर लेंगे विद जे ओमेगा। सो जब हम इसको रिप्लेस कर लेंगे विद जे ओमेगा तो यहाँ पर जे ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पर भी जे ओमेगा, ये तमाम रिप्लेस हो जाएंगे। अब k की वैल्यू हम फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे कि k की वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट वन, और हम क्या कर लेंगे j ओमेगा की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे। फर्स्ट हम j ओमेगा वैल्यू की वैल्यू ले लेंगे 0.1, तो यहाँ पर हम 0.1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 0.1 0.1 प्लस 1 0.1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, इससे जो वैल्यू आ जाएगी उसका हम लॉग ले लेंगे और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। फिर हम क्या कर लेंगे, जे ओमेगा वैल्यू को चेंज कर लेंगे, 0.1 की जगह लिख लेंगे 0.2 0.3, इस तरह चेंज करते जाएंगे। सो हमारे पास अगर हम आप इसको देख लें, यहाँ पर है एस डिवाइड बाय जे एस डिवाइड बाय सॉरी 3 डिवाइड बाय 2 एस, यहाँ पर अगर हम जे ओमेगा की वैल्यू अगर हम पुट कर ले 0.1, तो हमारे पास अगर हम उसका लॉग लेते हैं तो वो हमारे पास 23 आ जाएगा। फिर हम इस पे जे ओमेगा वैल्यू की अगर हम पुट कर ले, फॉर एग्जाम्पल एक और पॉइंट हम 1 ले लेते हैं, सो 3 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, इसको अगर आप लॉग ले ले और 20 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट फॉर एग्जाम्पल हम 10 ले लेते हैं, सो 3 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा, इससे इसका अगर आप लॉग ले ले और 20 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है -15 समथिंग। तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 डिवाइड बाय 2 इसके लिए हमारे पास ये वाले स्केच ड्रॉ हो जाएगी। फिर दूसरी हमारे पास थी दूसरी हमारे पास है एस प्लस 1 के लिए, ये 3 डिवाइड बाई 2 एस के लिए हो जाएगा। फिर एस डिवाइड बाई 3 प्लस 1 के लिए हो जाएगा, फिर 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 के लिए हो जाएगा, और फिर 1 डिवाइडेड बाई एस डिवाइड बाई 2 प्लस 1 के लिए हो जाएगा। तो हमारे पास 3 स्केच फॉर्म हो जाएंगे, एक पोल के लिए और 3 जीरोस, एक जीरोस के लिए और 3 पोल्स के लिए हमारे पास 3 स्केच ड्रॉ हो जाएंगे। जस्ट आपने जे ओमेगा की वैल्यू को चेंज करना है, उसका आपने लॉग लेना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, और उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। हम इसका रिजल्टेंट किस तरह ड्रॉ करेंगे, हम इन तीनों को एक टेबल में से लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका, हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास जो पोल एट जीरो था उसकी वैल्यू हमारे पास थी -20, ठीक है। फिर वही पोल एट अगर उसकी लोकेशन हम जे ओमेगा 1 पे कर ले तो वो उसकी वैल्यू क्या थी, फिर जे ओमेगा 2 पर उसकी वैल्यू क्या थी, और एट 3 हमारे पास वो क्या थी। फिर हमारे पास है पोल एट -1, जो -1 पे हमारे पास पोल था जब 0.1 पे उसकी वैल्यू क्या थी, 0.21 पे क्या वैल्यू थी, 2 पे क्या वैल्यू थी, 3 पे वैल्यू क्या थी, इन सब की हम वैल्यूज लिख लेते हैं। मींस कि अगर आप अगर हम यहाँ पर देख लें तो 0.1 पर और 1 के दरमियान हमारे पास जो डिफरेंस था वो 20 डिफरेंस है, 23 और यहाँ पर 3, तो इट मीन कि ये बाय -20 हमारे पास नीचे आए हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितना डिफरेंस इसमें से आया है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब सब कैलकुलेट हो जाएंगे इनका हम टोटल स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल स्लोप तीनों को अगर हम सम कर ले तो -20 आ जाएगा, -40 -60 -40, तो इट मीन के 0.1 से लेके 1 तक हमारे पास जो स्लोप है 0.1 से लेके यहाँ पर 0.1 से लेके 1 तक जो स्लोप है वो हमारे पास -20 है। फिर 0.1 से लेके सॉरी 1 से लेके 2 तक जो स्लोप है वो हमारे पास 40 है, इट मीन कि इसके बाद हमारे पास जो स्लोप है वो बाय 40 हो जाती है, 1 और 2 के दरमियान जो स्लोप है वो हमारे पास 40 हो जाती है। फिर 2 और 3 के दरमियान जो स्लोप है वो 60 हो जाती है, फिर 3 और 10 के दरमियान जो स्लोप है वो 40 हो जाती है। तो इस तरह जब हम सबको कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास जो टोटल स्लोप है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है, और इसको फिर हम सिंगल ग्राफ सिंगल लाइन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो एक्चुअली हमारे पास इस ट्रांसफर फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है इन द सिंगल लाइन। सो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो गई। सेकंड हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है फेस की। सो हम फेस सेम हमारे पास होती है, जस्ट हम उसमें से क्या कर लेते हैं,
हम उसमें से एंगल्स को ले लेते हैं और हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स है वो बाय 45 डिग्री पर डिकेड हमारे पास जो स्लोप है वो डिक्रीज होगी। तो हम ये लिख लेते हैं कि हम माइनस 20 को रिप्लेस कर लेते हैं विद माइनस 45 डिग्री कि हमारे पास हर एक स्लोप जो है वो बाय 45 डिग्री हमारे पास डिकेड करती है। सो फर्स्ट में हमारे पास माइनस 45 डिग्री आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में हमारे पास माइनस 45 माइनस 45 इस तरह सब के लिए हम लिख लेते हैं और इसका जो एंड स्लोप है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो फेस है उसको भी हम सेम तरीके से ड्रॉ करते हैं कि माइनस 10 इज इनवर्स ऑफ जो वैल्यूज थे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू है तो देखिए सारा माइनस 90 डिग्री आएगा बिकॉज इसमें हमारे पास जो एक वैल्यू थी वो हमारे पास जीरो आती है तो इट मीन इसका कोई स्लोप नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। फिर इसका हमारे पास 1/1 आ जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड कर ले उसका फिर टेंजेंट इनवर्स ले ले तो तमाम का हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको फिर कंबाइन करने के लिए हम इस टेबल को यूज करके इससे इसका जो कंबाइन है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 0.1 से लेके 1.2 तक हमारे पास माइनस 45 डिग्री डिले डिके आ रही है इन द स्लोप, फिर 0.2 से लेके 0.3 तक हमारे पास माइनस 90 डिग्री आ रही है, फिर 0.3 से लेके 10 तक हमारे पास माइनस 45 डिग्री आ रही है और 10 से लेके हमारे पास 20 तक जीरो डिले हमारे जीरो स्लोप डिके आ रही है और 20 से लेके 30 तक प्लस 45 डिग्री डिके हमारे पास आ रही है। तो इस टेबल को यूज करके हम इससे फिर कंबाइन जो है जो बोर्ड ऑफ फेस प्लॉट है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस के जो किसी भी सिस्टम का अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसका हम मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और फेज रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो बोर्ड ऑफ प्लॉट को यूज करके उसके मैग्नीट्यूड लॉग ले लेते हैं 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम क्या कर लेते हैं उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम किस तरह रिस्पॉन्स करेगा जब भी हमारे पास फेज जो है वो उसकी वैल्यू चेंज होती जाएंगी या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास चेंज होती जाएंगी। तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 20, ये चैप्टर नंबर 10 है, ऑलमोस्ट हाफ हमने थोड़ा सा कवर कर लिया, बाकी जो है वो हम इन द नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे।